बस। हाँ, अब आपका सवाल जो एक पहलू रह गया है वो बताएं आप। जरूर, उस सवाल का तो खत्म हो गया भाई, हैं? वो सवाल खत्म हो गया अच्छा, एक और दूसरा सवाल अगला। जरूर। ये सवाल शायद इसकी प्रेमिस भी पता नहीं सही है या नहीं। जरूर ये कि याजूज माजूज के बारे में छोटे होते से मेरी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से थी कि वेस्टर्न नेशंस इंक्लूडिंग रशिया के बारे में रेफरेंस आई है। अब हुजूर जब के वेस्टर्न नेशंस मतलब कि जब जो सॉरी जो रशिया है उसकी पावर बज़ाहिर तो काफ़ी कम होगी, डिमिनिश हो गई है, तो ये उसके अलावा ये कि जो याजूज माजूज के जो हैं साथ बुराइयां लिंक हैं और जो उनके मसले मसाइल होंगे वो अब सारी दुनिया में पाए जाते हैं ईस्ट और वेस्ट में कॉमनली, तो अब इनकी आइडेंटिटी को किस तरह से हम देख सकते आइडेंटिटी हैं? तो कौमों के सरदारों से होती है असल में। जिन लोगों के हाथ में दुनिया की बागडोर है और वो सरदार हैं, वही हैं जो याजूज माजूज हैं। अभी भी उनको अपने अपने मकाम पे वो सरदारी हासिल है। रशियन एम्पायर के जो ममालिक हैं उनमें रशिया का अमल दखल अभी तक मौजूदा अगरचे कमज़ोर हो गया है, लेकिन ये ख्याल कि रशियन याजूज या माजूज, उसको जो भी नाम दें, माजूज गालबन रशिया को कहा जाता है, जूज लफ्ज़ जूज जो है वो माजूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ ये सवाल कर लेना कि रशिया आखिरी सांस ले बैठा है और अब कुछ बाकी नहीं रहा, ये बिल्कुल गलत बचेगाना तसव्वुर है। रशिया अभी भी एक बहुत बड़ी ताकत है और इतना एटॉमिक आर्सेनल अभी उनके कब्जे में मौजूद है जिसके मुताबिक दुनिया की ताकतें कुछ भी नहीं कर सकती अभी। और अगर रशिया चाइना से मिल जाए तो फिर कम्युनिज्म का जो अजदहा है वो एक दफ़ा दोबारा उठ खड़ा होगा और इस दफ़ा वायलेंस के साथ उठेगा। और इसकी वजह इश्तराकी निज़ाम की खूबियां नहीं हैं बल्कि इश्तराकी निज़ाम पर काबिज लोगों का जो माफिया था वो अब बेख्तियार हुआ हुआ है, ये तकलीफ़ उनको माफ छोड़ नहीं रही। इसलिए कम्युनिज्म ने जो दोबारा सर उठाया तो वो हरगिज़ निज़ाम की खातिर नहीं, निज़ाम वो देख चुके हैं जैसा कि कामयाब हुआ या नहीं हुआ। अब वो ताकत का माफिया जो ताकतवर हाथों में था, जिसमें सिविल ताकतें भी शामिल थीं और फौजी ताकतें भी शामिल थीं, इन दोनों के गठजोड़ से अगर कोई इनकलाब रूस में पैदा हो तो होगा कम्युनिज्म के नाम पर, अपने नाम पर नहीं कर सकते, कोई मार्शल लॉ नहीं लगा सकते, ये सिर्फ कम्युनिज्म के नाम पर। लेकिन कम्युनिज्म के नाम पर मैं एक और धोखा है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये तभी मुमकिन है अगर चाइना से समझौता होकर चाइना की पुष्ट पनाही इनको शामिल हो जाए, हासिल हो जाए और ये फैसला कर लें कि अब हम दोनों एक दूसरे से दिफाई मुआहदा करके दोबारा एक इज्तमाही ताकत को जन्म देंगे ताकि एक पर हमला दूसरे पर हमला शुमार हो। अगर ये हुआ तो फिर जो मगरिब की जो इस वक्त सरबुलंदी दिखाई दे रही है उसको बहुत गहरी जख पहुँचेगी और उससे पहले की तरह तराने, खुशियों के तराने बजाते हुए ये अपनी फतह के गीत नहीं गा सकते भाई। ज़हूरे महबिये आखिर ज़मान।